शादी वादी पे जाना है तो बस तैयारी करनी है। देसी घी प्रोसीजर डेली कुछ ना कुछ हो रहा होता है। देखो इतनी कमजोरी है, ख्वाब में भी होश हो रही हूं। यार ये सब सुस्त बैठी हुई है, मैं नहीं दूंगी फिर ऑन द स्पॉट तुम्हें कल के लिए कुछ चाहिए होगा। तुम्हारे पिंपल को कैसे पता लगा तुमने कहीं जाना? Oh shit, what the hell? ये क्या रखा क्या था ये? ये हमने बनवाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक दो तीन और अब ये देखो जरा यार, ये मानो बिल्ली पहन के खड़ी हो गई है। इट्स प्रीटी, हाँ है तो प्यारा बहुत। Welcome to astrology. This is me, Krakova. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज का दिन वाकई में सही में सच्ची में बहुत बेहतर। हवा बहुत तेज चल रही है और यहाँ पे गिराज कितना क्लियर हुआ है। हवा की आवाज तो आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि हवा बड़ी प्यारी है। मेरा दिल कर रहा था डीप ब्रेथिंग करने को, थोड़ा इंजॉय करने को। ठीक है जी, तो आज जो है वो हम लोगों ने दिन का आगाज तो कर दिया है। अभी नाश्ता वाश्ता करूंगी और कुछ बहनें घर पे हैं, कुछ नहीं है, कुछ अपने कामों से निकल जाती हूँ क्योंकि मैं लेट आती हूँ, मैं लेट उठती हूँ तो मैं हमेशा मिस कर देती हूँ। खैर कोई गल नहीं, हुंदा रहंदा बड़े बड़े शहर जो छोटिया छोटिया गल्ला। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात ये कि आज हम लोगों ने जहाँ कहीं जाना है, कल जाना है सॉरी, उसकी तैयारी व्यारी करनी होगी। और बस वही करती हैं थोड़ी देर में। जरा यार ये नया गमला लग रहा है मुझे यहाँ पे आया हुआ। एक तो मैं जब भी बाहर आती हूँ ना तो मुझे पता लगता है कि ये गमला नया था। हाँ ये ना बहुत स्पेस में खाली थी, अभी ये एक एक करके भर गया। और ये जो मोटा गमला ना, ये वाला मोटा गमला ये नया है, ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। हम लोग कपड़े जूते बैग बट मेरी अम्मा बाबा पौधे। अभी मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के बाद आती हूँ। नाश्ता मेरा बन गया होगा, कीमा आलू खाऊंगी जो पिछले दिन बना था, वो खा पी के फिर बताती हूँ क्या करते हैं। और ये मेरी मम्मा जो है ना वो कल घी के लिए बनाई थी, आज घी को उबाल रही है। तो देसी घी प्रोसीजर डेली कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो मेरा नाश्ता जो है वो रेडी है। मैंने बताया था कीमा आलू एंड पराठा। और इस मोहतरमा की जब से यूनिवर्सिटी खुली है कि मुझे सिर्फ सोई भी मिलती है। अभी आई है, चेंज भी नहीं किया, आंखें देखो मटक रही है। नाश्ता वाश्ता कर लिया था और मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कराई है बड़ी मस्त किस्म की। और ये जो मैडम यहाँ सोई भी थी मोहतरमा, वो यहाँ से उठ चुकी है और वो खड़ी खाने का वेट कर रही है। तुम्हें क्या, मैंने सुना तुम बेहोश हो गई थी। ख्वाब में खाना नहीं खाया था तो वो ख्वाब में बेहोश हो गई। ख्वाब में चक्कर आई है, मुझे भी अपना ख्वाब सुना रही है गाइस। देखो इतनी कमजोरी है, ख्वाब में बेहोश हो गई हूं। हिसाब लगा लो दफा जो जाके खाना खाओ। मेरा तो सर एकदम सुकून में हो गया, इतनी देर से ना मैंने ऑयलिंग नहीं की थी तो अब मैं माशाल्लाह मेरे सर थोड़ा सा बेहतर हुआ। अभी मैं शावर लूंगी और फिर हम लोगों ने तैयारियां करनी है बहुत सी चीजों की, शादी वादी पे जाना तो बस तैयारी करनी है अभी। तो मम्मा भी अपनी तैयारी कर रही है, डैडी भी और बहने भी मेरी। चले जी अब चलते हैं। सो गाइस मैं हो चुकी थी तैयार, अभी मैं फ्रेश हुई हूँ। देखे कैसे ऑयलिंग वाले बाल थे और एकदम मेरे बाल फ्रेश हो गए, इतनी देर बाद ऑयलिंग कराई है तो परफेक्ट हो गए, परफेक्ट। अब मैं चलती हूँ, ये जरा मोहतरमाएं देखू। जरा एक मोहतरमा तो यहाँ बैठी पता नहीं क्या कर लिया। हीरा व्हाट आर यू डूइंग, तुम्हें कोई परवाह है कि कल तुमने क्या करना है? देखती हूँ अभी, तुम बताओ क्या करना है। हाँ पहले तो मेरे इशारों में नाचती है ना, अभी मैं तुम्हें बताऊँ, तुम मैं जो कहूंगी वो तुम करो। चिल्ला कर यार, ये सब सुस्त बैठी हुई। अभी तो घर, अवल तो ये घर नहीं थी, घर आई है तो आके फोन पे लग गई है, मतलब कोई होश कोई फिक्र। इतनी देर में देखे मैं इतनी प्यारी बन के आ गई हूँ और ये वहीं की वहीं बैठी हुई है। मैं नहीं दूंगी फिर ऑन द स्पॉट तुम्हें कल के लिए कुछ चाहिए होगा तो। अभी नीचे जाती हूँ मैं तो, यारों के नीचे आई हूँ। ये लड़की भी फोन पे, वो लड़की भी फोन पे, मतलब इनको। राबिया तुम, तुम्हारे पिंपल को कैसे पता लगा तुमने कहीं जाना? जान के फोकस किया गाइस, ये देखिए इट्स नेचुरल, पिंपल को खबर हो जाती दूर दूर से। अब उठ जाओ कुछ करना है तो। यार अम्मा तो फुल तैयारी में, मतलब अम्मा अपना पूरा रंग रोगन लगा के अपने आप को सेट करके अम्मा कर रही है तैयारी और मेरी बहनों का नजर नहीं आ रहा। तो गाइस अभी हम लोगों का हाँ स्मेल किस चीज, इतनी बुरी स्मेल आ रही है। Oh shit, what the hell? ये क्या रखा क्या था ये? ये चाय फातिमा ये फातिमा ने पीनी थी। या अल्लाह उस बाउल का हाल देख क्या हो गया। अपने मुंह के पास करना, मैच कर रहा। या अल्लाह इतना बुरा, ये चाय चिपक गई है, शक्कर डाली थी, सारा कुछ चिपक गया। यार किसने रखा है? मम्मा ये फातिमा रख के गई थी, मेरा कसूर नहीं है, मैं चाय नहीं इतनी पीती हूँ, ये फातिमा का काम है गाइस। ये फातिमा ने अभी उल्टी हरकत की है। हीरा बेचारी ऐसे लग रहा सकता है मैं तेरी किसी ने चाय गिरा दी। आई कहाँ छुपी हुई है? उसने गलती किया, छुप के खड़ी है।
मेरा डांट चुपके खड़ी होगी अब आगे सामने कैमरे के भी नहीं आ रही कि कैमरा लगा हुआ इधर उसकी वीडियो देख लो अपनी चलाकियां देख रही थी भाग गई अंदर। गाइस आज चाय भी जल गई है और अभी जो फिलहाल हम एक्टिविटी हमारे घर पे होने लगी है वो ये है कि फाइनली मेरे डैड के 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। और ये हमने बनवाया है अब्बा जी का केक, ठीक है, लेकिन ये हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये आपको पता चलेगा डॉक्टर मियां फैसल के चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लिंक जो है वो मैंने नीचे कमेंट में पिन किया हुआ है, और जो कर ले वो डन लिखते कि हम 100K से 1 मिलियन तक पहुंचाएंगे पापा को। बहुत एफर्ट की, अपना जर्नी शेयर करेंगे, केक कटिंग सेरेमनी होगी, सारी फैमिली ज्वाइन करने वाली है, तो ये जाके आपको वहां से वीडियो मिलेगी। सही है, अभी फिलहाल मैं अपना व्लॉग कर रही हूं, तो पापा की वीडियो होने लगी है यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि लड़कियां हो चुकी हैं तैयार, पिंपल वाली लड़की भी तैयार होके आ गई है। ढूंढू अगर तो मैं, ओ किधर गया, ओ इसने इसने गाइस इसने ना एक वो चिप्पी होती है, इसने वो मंगवाई और अपने पिंपल पे लगा लिया। ये सही है, आप लगा लो तो पता भी नहीं चलता, आप पता नहीं वो चिप्पी क्या, लोग मुझे कमेंट में पूछेंगे कि क्या चिप्पी, देखे इसने यहाँ लगाई है। मैं चलाक ना होती तो तुम लोग कैसे चलाक होती, सबसे बड़ा चलाक हुआ है बस, छोटी चार चलाक आई है ना, चार चलाक। ठीक है, अब हम पापा का जरा शूट कर ले, स्टिल शूट इंस्टाग्राम के लिए, उनको जाके इंस्टा पे भी फॉलो करें, हमें भी इंस्टा पे फॉलो करें, और चलो तैयारी करते हैं। ये गाइस यहाँ पे वीडियो बनने की तैयारी हो रही है हल्की आंच पे, मानो ये ग्लास निकालो, इकरा का वाला डायरेक्टर बनी हुई है। हाँ जी, ये ग्लास यहाँ से आउट कर दो और ये भी पीछे कर दो, ये बस हीरा नहीं बैठ रही, हीरा फिर कैमरे पे बैठे की जगह ही नहीं है। सो गाइस पापा की वीडियो बन चुकी थी, हम लोगों ने केक शेक खा लिया, केक शेक खा के फारिग हो गए हैं यहाँ पे, इसी टाइम अपने कपड़े निकाले जो पहनने हैं। हाँ जी, कल को कोई परमिशन नहीं है इनका। हाँ कल किसी को नहीं है पता है, तुम जल्दी चलो कैरी ऑन, जल्दी हरी अप, कल गाइस शेंडी है तो उस हिसाब से ड्रेसेस निकाले, वैसे परसों के भी निकालने पे भी टाइम। आपका कौन सा है? अम्मा का ड्रेस सिर्फ ब्लैक कलर पसंद है तुमने यार। मम्मा मैंने ना कोई मैरून कोई रेड टाइप पहनना है। पड़ा किधर है ये तो बताएं। अल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अम्मा कौन से दराज की बात करी है। ये हमारा एक ड्रावर है, ये हमेशा मैं खोलती, पापा खड़े हैं अभी यहाँ पे तो मैं खोल नहीं पा रही, ऐसा खोलो ये पापा है आटे के। ये गाइस हमारे कपड़ों वाला वो निकला है, इसमें से कौन से कौन से कौन से, यार हीरा आके देख ले, एक ये भी रेड नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं, ये येलो है मेहंदी के लिए, ये गोल्डन है पता नहीं किस चीज के लिए, नहीं समझ आ रही यार। इधर ना एक डिब्बा पड़ा हुआ है वैसे, मैंने जहाँ तक मुझे पता है, ये डिब्बा पड़ा हुआ, ये डिब्बा, इसमें जो ड्रेस पड़ा हुआ ना ये वाला, शायद मैं ये वाला ड्रेस पहनूं, इसके साथ इयररिंग्स मैच कर लेती हूं। मानो आपकी क्या सजेशन है? मैं भी ब्लैक साड़ी पहन लूं। मानो नो, सारे साड़ियां ना पहने। नहीं नहीं हाँ, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, मुझे पहनना है। मानो नहीं, मैंने साड़ी पहनी। मम्मा बिल्कुल नो, देखो बिग नो, चूड़ियां साथ कितनी प्यारी लगूंगी, चला नहीं जाता, ऐसे ऐसे बंदा चलता है, पता नहीं कड्डी कड्डी गिर जाओ, साड़ी पहन के ऐसे कदम नहीं आगे बढ़ाया। चल वो पंखा बंद कर, मुझे सर्दी लग रही है, कुछ भी पकड़ो और पहन लो, सबसे मजेदार। हाँ गाइस रात के ना इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ये लोगों की प्लानिंग नहीं हो रही, सूट भी पिक्चरों अब क्या होंगे। चलो ये जहाँ ये अच्छा लगेगा, फातिमा ने यहीं पे पहना था, मैं जो निकाल रही हूँ वही चिटिंग की जा रही है, अपना करो, मेरे दिमाग की गलती है, मेरी तो गलती नहीं है, ये ऐसे पढ़ा था चलो अब लड़ना नहीं है यार, इनकी लड़ाई जिंदगी का कोई भी मोड हो उस पर स्टार्ट हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मैं 3-4 हाँ ये भी है ब्लैक, ये पहन फ्रॉक प्यारी है, पर्पल ऊपर पड़ा हुआ, नहीं वो ब्लैक फ्रॉक, पर्पल इसने नहीं पहनना, ब्लैक फ्रॉक, लेकिन पर्पल कौन पहन रहा है, ऐसे निकाल के दिखा दो, देख चेक कर लेती हूँ, अच्छा लगा तो सही है वरना फिर कुछ और पहनूंगा। चलो यहाँ पे तुमने क्या, ये तो पुराना सा इतना, नहीं जी इसकी शर्ट अच्छी खासी है, नीचे पजामा प्लाजो है। चलो ये मानो मैडम स्टूल ले आई है क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे कपड़े पड़े हैं और ये सब निकलेंगे। तू फेंक ही कर, चुप करके मेरा पुत्र, हाँ तू कर ही नहीं है, पंखा तो नहीं लगेगा, मम्मा लगेगा पता लगे कपड़े नहीं लगेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगेगा, पंखा बंद ही है नहीं लगेगा, कितनी दूर है, क्या मैं पंखे को टच कर सकती हूँ, अगर काट के हाथ में नीचे आया, देखती हूँ जो जो मिलता है जो व्हाट इज दिस, ये देखो कितना का है, हमने शॉप पर पैक पैक पैक, ये निकला है ना असली जोड़ा इधर से,
मैं बहुत वजनी है यार, ब्लैक यार ये कितना अच्छा है, ये येलो मेहंदी के लिए आपने अपने लिए कपड़े निकाल लिए। पापा के कपड़े कहीं जाते ही नहीं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह, एक दो तीन और अब ये देखो जरा, उठ मानो रगड़ी जाओगी नीचे ही। ये भी कपड़े निकल आए, मानो का पर्पल नहीं मिल रहा गाइस, शुक्र है मेरा ड्रेस हो चुका है लेकिन मेरी बहनों का नहीं हुआ। रेड, तू पता नहीं क्यों जा रही है, उन्होंने कहा था शेंदी मेहंदी और बारात मिक्स करके हैंडी। ये ब्लैक कलर की साड़ी है एक, चलो जी ये पकड़ के कर। हाँ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस यार, ये मानो बिल्ली पहन के खड़ी हो गई है, इट्स प्रीटी। हाँ है तो प्यारा बहुत। क्या है, लहंगा है ग्रीन। आप ही बताए सब कुछ, आप ही तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस। ओ अच्छा, तो लग रहा है रिपुंजल लग रही हो पूरी। फिटिंग नहीं है। चलो जी फिटिंग नहीं है तो करवा लो, बहुत प्यारा। ये भी तुम शेंदी पे पहन सकती हो, मैंने एक दफा पहना यार, ये इतना प्यारा है लहंगा। हैवी तो नहीं है इतना, इतना हैवी तो नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ तुमने किस किस की मेहंदी पे क्या क्या पहना हुआ। हो मानो गिर गई यार बेचारी, चिप्स तो पहन लो, लटक जाओ इधर बंदरों की तरह बेवकूफ। ये बहुत प्यारी है मानो, राबिया को ये ड्रेस प्यार है। मिल गया मेरा लहंगा, आई अल्लाह मेरे ऊपर मत कूद जा बदतमीज। हाँ, हैप्पी है पहनूंगा मैं ऑलरेडी, इसकी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। मुझे देखो, मुझे देखो, मेरा वायरल हुआ। मानो आपका भी वायरल हुआ है। एक तो हमारे घर पे फोन गिर गया। ओके, एक तो ब्लॉगर का फोन फजूल में गिर जाता है। मैं ये बताई थी हमारे घर पे ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक बार ड्रेस पहन लिया और गलती से वो वायरल हो गया, उसके बाद अभी वो ड्रेस नहीं दोबारा कहीं पहना, ये पता नहीं क्या हुआ। मानो का भी सिलेक्ट हो गया, रबे का अभी तक नहीं हुआ, मेरा भी सिलेक्ट हो गया, मैं कल ही पहन के दिखाऊंगी आपको। फातिमा के भी हो गए। उसने कहा मैंने जिंदगी में एक दफा जो साड़ी पहनी थी ना डार्क कलर की, वो पहन रही है, समझ आ गई। उसने भी बहुत इजी एक्सेस वाला निकाला था, मैंने भी ठीक है मैं यही पहन रही हूँ। हाँ बेटा, निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, वापस समेटना उतना ही मुश्किल है। लगी हुई है मुश्किल, मैंने अपना ड्रेस यहाँ से निकाला ही नहीं है, मैं काम खा मैं करूँ। इतनी चलाक है, इसको जब काम कह दो, जब काम की इसको चक्कर आ जाते हैं, कपड़े देख के ही चक्कर आ रहे। अगर आप में इतनी जरा अच्छी वाली होती ना तो मैंने अगर काम ना करना था मैं नहीं करती, लेकिन मुझे करना है, लेकिन मेरा सर दुख रहा है नहीं। और मानो के बकौल मेरे अंदर बिल्कुल अच्छे वाली सेंस ही नहीं है, लेकिन अभी कपड़े तो डिसाइड नहीं किया, अभी तो पहन के खुद तो तुमने कहा मैंने ओके कर दी है। नहीं अभी मैंने ओके नहीं कर दी, वो दूसरा वाला अभी मैं नहाना है। कितने बजे तक जाना है? 7 बजे निकल, 7 बजे मतलब नाइट फंक्शन है, 7 बजे उधर पहुँचना है, मतलब लेट भी उठोगे तो ओके। हाँ मुझे नहीं पता। अब जो है वो हमारा पेट पूजा टाइम है, ये आया है पुलाव, ये पूजा रबे, ये पता पिंपल से ज्यादा बुरा लग रहा है जो माथे पे लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है फोड़ा निकला हुआ तुम यार। नेचुरल ये मानो हमारी खिदमत, मानो अब ड्रिंक भी ला दो प्लीज, मानो प्यारी मानो अच्छी मानो, मानो देखे सारा कमरा समेट दिया, हटाओ इसे यार मानो ला दे प्लीज, बड़ी बड़ी गाइस बड़ी भूख लग गई है। ऊपर हुई तो नहीं लाऊंगी, नहीं नीचे होगी इंशाल्लाह, ऊपर हुई तो भी लेना प्लीज, ऊपर हुई तो रबे लाइक मानो। खुद देखो इन दोनों को मजे से खा रहे हैं और मुझे इन लोगों ने काम पे लगाया हुआ था। अब मुझे किसी ने भी बोला घर में कि मैं सिर्फ क्या नाम है सर दर्द का कहती हूँ और काम से बचती हूँ। मानो बहुत काम करती है यार ज़ैनब, तो मैं जितनी मर्जी बुराई करूँ काम जो है वो बहुत है। तुमने क्या बेइज्जती की, मैंने अभी तुम्हें यहाँ से फोन फैन इस लड़की की ये बात सही की क्यों आप ही, अगर मैं पैदा ही ना हुई होती तो हमें सुकून होता दही जी, तो आप लोगों के काम कौन करता जब रबे बड़ी छोटा चाहिए होता है जिंदगी में आपको। जिंदगी में छोटा चाहिए, मैं छोटा मिल गया। छोटे छोटे ए दटे लाला, आप ही इधर देखो मैं भी करूँगी। इसको देखे जरा, ये आधी रात को क्या ये क्या बना रही है, हमने भी पुलाव खाया आलू। हाँ जिस तरह तुमने मुंह बनाया ना, मैंने भी खाना, शायद फ्रिज में रखा हुआ है।
शिट ये लो थोड़ा सा, मेरी भूख नहीं मिटेगी, थोड़ी सी मेडली बना लेना ठीक है। नहीं मैं पूरी खाऊंगी, बहुत भूख लगी है, तो हमने लग बनाओ। ओके मैं जो लग बनाऊ मैं पागल। गाइस मैंने ना गलती से दूर डाल लिया क्योंकि ना मुझे ना इसको देखकर दिल चाह रहा कि ये खाऊं, मैं क्या करूं, मेरा पेट खराब हो जाए। मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अपनी डाइट खराब हो जाएगी। तो जी मैं अब जा रही हूँ ऊपर, मेरा आ जाना ठीक है, नीचे ना रह जाना। मैं अपने कमरे में जाने लगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह उठ के ज्वेलरी वगैरह और बाकी चीजें निकालूंगी क्योंकि अभी बिल्कुल हौसला नहीं है ये सब करने का। और एज यूजुअल हाथ में कपड़ा और दरवाजा कैसे खोलूंगी, इतना प्रो मैक्स का धक्का कब काम आएगा। फातिमा तुमने क्या पहना है कल? पाड़ी निकाल ली है, वीडियो के बहाने रुकती है और सिर्फ ये लड़की इंस्टाग्राम यूज करती है। चलिए जी गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।